नाम बता दो अपना। मेरा नाम विशाल हुआ भाई। पीछे चट्टी दिख रहा बट कोई नहीं, बॉयज हॉस्टल है उतना लेना मत। मेन बंदा जो हॉस्टल में रहने का जुगाड़ इसका और इसका, अरे इसका ही मजनू है, इसको इसको रहने दे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो मीट एंड लगा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे यार। तो आज का ब्लॉग 1:30 बजे से स्टार्ट हो रहा है यार, क्योंकि आज हम लोग निकलने वाले केदारनाथ। तो हम लोग का ट्रेन करीब 3 बजे का है, तो यहाँ से 1:30 बजे निकलेंगे क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है दिल्ली का। तो फिलहाल मेरे दोस्तों एंड मेरे भाइयों से मिल लो। मीट माई फ्रेंड सानू, से हेलो। हाय गाइज। एंड मीट माई अनदर दोस्त मनी भाई। हाय गाइज। मीट माय अनदर दोस्त अंकुर। तो अंकुर, आज का मतलब ट्रिप केदारनाथ का है, तो मतलब कैसा फील हो रहा, मतलब कैसा एक्साइटमेंट? बहुत खराब। ये हरामी अपना बैग हमको दे दिया। देखो अरे भाई, थोड़ा सा लगेज हम लोग का ज़्यादा हो गया क्योंकि काफ़ी भारी हो गया, बट कोई नहीं, ट्रॉली नहीं ले जा सकते यार क्योंकि ढोने में बहुत दिक्कत होती है। कैरी बैग हम लोग ऐसे इस्तेमाल किए हैं तो, बट कोई नहीं, अभी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है दिल्ली का, तो हम लोग को पहले ही निकलना पड़ेगा। तो निकलते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं ट्रेन में। चलिए बाय। तो गाइस, फाइनली हम लोग हरिद्वार पार्क कर चुके हैं यार। अब यहाँ से करीब हम लोग 1 घंटा लगेगा जाने में, तो काफ़ी टाइम लगा यार, बट थोड़ा सा गर्मी लग रहा है यार क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो रखा है यार यहाँ पे। बट कोई नहीं, अभी तो पूरा खाली हो रखा, हम लोग को उस टाइम सीट नहीं मिला था, बहुत सारा टिकट नहीं कराया है, तो अभी तो बहुत खाली है ट्रेन। तो अभी बैठे हुए हैं और मतलब बहुत सारा, मेरा दोस्त थक गया है तो सोया हुआ है, ये सोया हुआ है, और एक तो अभी बाहर वॉशरूम गया यार। तो गाइस मैं आपको अभी दिखाता हूँ, बहुत काफ़ी खाली हो रखा है ट्रेन यार, मतलब बहुत ज़्यादा सीट है यहाँ पे। बट हम लोग उस टाइम तो टिकट मिला था नहीं, बट अभी बैठने को बहुत जगह, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो गाइस आप देख रहे होते यार, मतलब कितना सीट खाली था, बट कोई नहीं। मनी भाई हो गया, वॉशरूम वॉशरूम कर लिया, फ्रेश हो गया? पानी नहीं है ट्रेन में? थोड़ा बहुत तो होगा ना यार। तो अंकुर और कैसा रहा जर्नी? अभी तो बाकी है ना थोड़ा यार, पहुँच जाएंगे। मतलब अब तो सीट मिल गया, तो कैसा फील हो रहा है? ठीक ठाक, बहुत मस्त, यही तो चाह रहे थे उतना। सानू भाई, अभी तो जर्नी स्टार्ट ही हुआ है, तो अभी आगे लंबा सफ़र है चलना, 16 किलोमीटर चलना है, तो देखते हैं आगे का सफ़र कैसा होगा। अभी अभी हम लोग कितना देर में पहुँचेंगे? करीब आधे घंटे में हम लोग पहुँच जाएंगे देहरादून। Close till I get up, time is barely on our side. So guys, finally हम लोग होटल आ चुके हैं यार, थोड़ा सा खाना खा रहे हैं। देखो मेरे दोस्त भी खाना खा रहा है यार, मतलब आज सफ़र थोड़ा सा बुरा रहा, बट कोई नहीं, सीट मिल गया तो अच्छा लगा। अभी हम लोग खाना खाने यहाँ पे, और मेरे को इस होटल में एक अच्छा चीज़ देखने को मिला, और आपको आपको दिखा दें, क्योंकि यहाँ पे जो दो लोग हैं, आई मीन बहुत ही काफ़ी एज के, और बहुत ही अच्छा सुरीला आवाज़ गा रहे हैं। आपको आवाज़ आए सुनाई दे रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ कितना अच्छा गा रहे हैं। खाना तो बाकी काफ़ी अच्छा लग रहा है, देखते हैं इस होटल का टेस्ट कैसा है, उसके बाद आपको बताते हैं। अंकल आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम डॉक्टर बिना गुप्ता। वैसे मैं प्रोफेसर हूँ, लेकिन मेरे वैसे अंकल मैं एक बार बताता हूँ, आपका खाना बहुत टेस्टी था। थैंक यू वेरी मच। मेरे को बहुत अच्छा लगा, पास में था, मैंने सोचा यहीं खा लेते हैं। फिर आइएगा दोबारा आप, और जो गाना आपने सुना मेरी तारीफ की, मैं नॉन हाँ मैंने आपका गाना बहुत अच्छा लगा, वो अंकल गा रहे थे हमारे भाई हैं हमारे दोस्त भाई, तो मैंने सोचा बहुत अच्छा गाना, तो मैंने सोचा क्यों ना रिकॉर्ड कर लिया जाए। आपका बहुत ही सुरीला था, बहुत अच्छा था। तो आप अपना होटल के बारे में कुछ बता दीजिए, कहाँ पड़ता है? रेलवे स्टेशन के सामने हमारे दो रेस्टोरेंट है, जेबी फूड्स के नाम से जयभास होटल, और एक रहने का होटल है होटल श्रीराम। बहुत इकोनॉमिक होटल है, बहुत सस्ते कमरे हैं, मतलब रहना खाना, गाने वाले सब लोग गाते हैं हमारे यहाँ पर, आते हैं सिंगर, और बिल्कुल शहर के बीच। तो गाइस कभी भी आप देहरादून आए हो तो अंकल के होटल पे, और मतलब
सारा व्यवस्था आपको मिल जाएगा। बिल्कुल सामने है, कोई एजेंसी कोई गाड़ी करने की आवश्यकता नहीं, पैदल आ सकते हैं आप। तो गाइस कभी भी आना तो अंकल के होटल पे आना, नज़दीक भी है। तो गाइस फाइनली हम लोग रूम पे आ गए अपने दोस्त के रूम पे। यार काफ़ी लंबा मतलब दूर था, करीब 10 या 15 किलोमीटर था, तो रात में ऑटो नहीं मिला था, बट कोई नहीं, हम लोग रिजर्व करके आ गए। और आपको फिलहाल दिखाता हूँ अपना रूम, मतलब आई मीन दोस्त का रूम। तो गाइस ये देखो बॉयज़ हॉस्टल का मतलब ये लोग क्या बोले, मतलब पूरा कमरा खाना बना के रखा, बट कोई नहीं, लड़का लोग ऐसा ही रहता, लड़की लोग है नहीं किसको सजा के रखेगा रूम, बट कोई नहीं। मिलो मेरा दोस्त से, हेलो, नाम बता दो यार। राकेश एंड यू? हेलो सर्वेश। ये लोग अभी मेरे को नया दोस्त मिले, माई में मेरा दोस्त का दोस्त है ये लोग। तो गाइज ये लोग मेरे दोस्त है, आप मिल चुके यार, बट कोई नहीं, एक मैं अनदर दोस्त जो मतलब हॉस्टल में रखने के लिए परमिशन दिला यार, इससे तो मिल लो, आ जाओ मेरे बॉस। हेलो भाई, नाम बता दो अपना। मेरा नाम विशाल हुआ भाई। पीछे चढ़ी दिख रहा, बट कोई नहीं, बॉयज हॉस्टल है उतना लेना मत। बंदा बहुत हेल्प किया यार, अगर काफी रात हो गया, करीब 11:30 बज गया, अगर बंदा हेल्प नहीं करता तो हम लोग को रहने में बहुत दिक्कत होता है। कोई नहीं भाई, दोस्ती में तो होता है। चलो ठीक है यार, हम मिलते हैं कल सुबह यार, नींद आ रहा थोड़ा थके हुए हैं, उसके बाद सुबह मिलते हैं, चलो भाई। तो गाइस हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वीडियो यार। तो कैसे आप लोग यार, आज काफ़ी अच्छा लगा यार, क्योंकि हम लोग थोड़ा लेट से उठे हैं, करीब 11 बज गया यार, बट कोई नहीं, रात को नींद बहुत अच्छा है यार, क्योंकि हम लोग काफ़ी थके हुए थे। बट अभी हम लोग यहाँ का लोकेशन झाझरा में रुके हैं, देहरादून का झाझरा बहुत ही अच्छा लोकेशन है, मतलब पहाड़ी एरिया है और यहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो भाई अभी का सुबह करीब कितना बजा है? 9:38 यार, थोड़ा सा भूख लगा हुआ था, हम लोग नाश्ता वास्ता लिए, चिप्स उप्स लिए। तो सानू भाई रात का नींद कैसा हुआ? मस्त रहा भाई, बट कोई नहीं, मैं आपको दिखा रहा, थोड़ा सा भूख लगा था, हम लोग ये चेक करो सलाद, अबे ये किचन से उठा खिलाया, बट कोई नहीं, चिप्स उप्स खा रहे यार, अभी भूख लगा हुआ है। तो थैंक यू ब्रो फिर से, माई अनदर दोस्त, अपना नाम बता दो। कोमल, अभी भी जस्ट फ्रेंड बनी है। मेन बंदा जो हॉस्टल में रहने का जुगाड़ इसका और इसका, अरे इसका ही मजनू है, इसको इसको रहने दे। मजनू नाम।